बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अन्नी पादे पाकिस्तानी हो। मैंने देखा है जी, मैंने आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर करी, साथ में एक आध आपको दिखा भी रहा हूँ बीपी चला के। यार मैंने ना खासकर जद्दा में वो ऐसा मुकाम नहीं छोड़ा जहाँ पर कुछ अच्छी डिस्काउंट वाली चीज़ लगी हो और मैंने आपके साथ वीडियो ने शेयर की हो। पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना मेरे चैनल के ऊपर भाई हैं जी, वो जानते हैं 3 रियाल हर कुल शी 3 रियाल हर एक चीज़ 3 रियाल में। अक्सर बड़ी मार्ग भवादी में फैसलिया में ये रेहड़ियाँ लगती हैं ऐसी, यानी रेहड़ी से बोला तो वो दबाव में सामान रख के बेचते हैं 3-3 रियाल तरह तरह ऐसे टेप पर चल रही होती है आपको पता है। और खासकर जुम्मे वाले दिन ठीक है 5 रियाल वाली मार्केट की भी मैंने बहुत सी वीडियो शेयर की। गोल्ड के मतलब मैंने ऐसी ऐसी वीडियो शेयर की हैं कि आप यकीन कीजिए लाखों के हिसाब से मुझे व्यू मिले और बहुत से भाइयों ने मेरी वीडियो देख कर गोल्ड लिया, यानी कि किस हिसाब से किस कैटेगरी का आपको कितने का मिल रहा है मुकम्मल तफसील में बता देता था। तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पुरानी पड़ी हुई हैं, आप जाकर अभी भी उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो बहरहाल जी, अगर आज की वीडियो के मुतल्लिक बात करें तो साथ में आपको मैं चलाकर दिखानी शुरू कर चुका हूं मैं। ये रियाज मॉल है जी, एक उसमें ये मॉल यानी कि ओपन हुआ है, इसमें 50% से लेकर 80% तक यानी कि 80% तक डिस्काउंट लगाई गई है। यार इसको हम इस चीज को भी छोड़ दें, इसको आउटलेट बोल रहे हैं आप, यानी कि आउटलेट वो होता है माल जो आप जिसको पता है। आप अगर मिसाल के तौर पे एडिडास का माल लेना चाह रखे हैं तो उनकी कोई भी किसी किस्म की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है किसी चीज में तो वो उसको कट पीस में रख देते हैं, हालांकि वो फील नहीं होती है। लेकिन आप इसको फिर भी आप इनमें से आपको बेहतरीन चीजें मिल जाएंगी। वीडियो आप देख लें लोगों का कैसे हजूम है, लोग कैसे टूटे हुए हैं। पाकिस्तानी में बहुत से मैं देख रहा था जो धड़ाधड़ जारी सी बात है। एक चीज आपको अगर 100 रियाल की है तो 70% डिस्काउंट होगी तो कितने की मिली 30 रियाल की। अगर 250 वाली चीज वही आपको भाई 50 रियाल में 60 रियाल में 70 रियाल में मिल जाएगी ऐसी मार्केट्स में, इसलिए इतना रश है। तो ये रियाज मॉल है, ये ओपन हुआ है, इसमें 50% से 80% तक डिस्काउंट रहा, लोगों ने खूब लूटा और पाकिस्तानी सर्विस रहे जी। बहरहाल तो ऐसी चीजें मिस नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुद ऐसा मौका देखता रहता था कहीं ऐसी डिस्काउंट लगे तो भाई मैं दूसरों से आगे रखूं, क्यों जाहिर सी बात है मैंने बाहर 200 लगाना एक चीज के ऊपर, वहां से मुझे वो 50 रियाल 60 रियाल में 70 रियाल में मिल जाएगी तो मेरा ही फायदा है ना।